नमस्ते बच्चों, अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये 3 दिन 4 दिन बेकार हो गए होली के चक्कर में और कुछ काम नहीं हो पाया। 2 दिन तो एंजॉय करते ही निकल गया, उसके बाद थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। तबीयत का खराब हो गई या इस तरफ अंदर दर्द होने लगी, तो बोलते भी नहीं बन रहा था, सही से मुंह नहीं खुल रहा था, दाढ़ शायद निकल रही है, फूल रही है इसकी वजह से। तो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। चलिए, उसके लिए हम आपके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। तो अब आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हैं, और पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा तो अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको कोई अगर समस्या भी है तो भी कमेंट करते करके बताइए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ रहे थे, तो द्विघात समीकरण के लगभग सारी समस्याओं को हमने हल कर दिया, जितने भी टफ क्वेश्चंस थे उसमें एक दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बच गए हैं, अभी उनको देख लेते हैं। कहा गया है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, काम करके लिखा है, फिर 24 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा की अनुकूल जाने की अपेक्षा अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा अधिक लेती है। फिर कहा गया है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहा गया है, थोड़ा सा भैया बोलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है और दर्द भी हो रहा था थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा धीमा बोल पा रहे हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट अगर हो सके तो हो जाए, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखें एक बार। फिर से हम क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। कहा गया एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में चाल, मतलब पानी नहीं बह रहा था, बिल्कुल शांत था, शांत जल में या स्थिर जल में कह लें, जो चाल है वो 18 किलोमीटर घंटा है। फिर कह रहे हैं धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाए और धारा के प्रतिकूल मतलब वापस 24 किलोमीटर आए, तो जो दोनों प्रकार की दूरियों को तय करने में जो समय लग रहा है उसका अंतर जो है वो डिफरेंस जो है वो 1 घंटा है, 1 घंटा प्रतिकूल में ज़्यादा लगता है। तो कह रहे धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो चीज पहले पूछी गई है हम उसे ही मान लेते हैं कि माना माना धारा की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे लिखेंगे शांत जल, शांत या लिख लिया स्थिर जल लिख लिया, बात की है शांत जल में मोटर बोट की चाल, शांत जल में मोटर बोट की चाल बराबर दी गई थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर हो गया। तो धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल वापस आने में दोनों में चाल में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अनुकूल जाएंगे मतलब धारा की दिशा में बहेंगे तो आपकी चाल के साथ साथ धारा की चाल भी उसमें जुड़ जाएगी, लेकिन आप जब उल्टा धारा के बहेंगे तो आपकी चाल में से धारा की चाल
कम हो जाएगी, क्योंकि धारा जितनी अपने उल्टे वेग से बह रही है उतना ही आपका वेग कम कर देगी। तो यहाँ लिखेंगे कि धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल तो बराबर हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल तो बराबर हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? तो अब ये देखेंगे जाना कितनी दूर है, 24 किलोमीटर गया, ये कहा गया ना 24 किलोमीटर जाने में, तो 24 किलोमीटर जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, धारा की अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर आपको पता है क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी कितनी है आप जानते हैं 24, और चाल अनुकूल की बात कर रहे हैं, तो अनुकूल जो चाल है वो 18 प्लस एक्स है, तो 18 प्लस एक्स घंटे हो जाएगा। क्लियर हो गया? वैसे ही धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल 24 किलोमीटर वापस आने में लगा समय, फिर वही समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, तो दूरी वही है 24 किलोमीटर, लेकिन प्रतिकूल की जो चाल है, या प्रतिकूल की बात की गई थी, तो जो प्रतिकूल की चाल है वो है 18 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स घंटे। क्लियर हो गया? और फिर उन्होंने जो क्वेश्चन में कहा गया था कि अनुकूल और प्रतिकूल जो दूरी तय कर रहा है उनमें जो समय लग रहा है उनका डिफरेंस जो है वो एक घंटा है, मतलब प्रतिकूल जाने पे एक घंटा समय अधिक लगता है, मतलब प्रतिकूल वाली से प्रतिकूल जो समय प्रतिकूल दूरी तय करने में जो समय लगा उसमें से हम अनुकूल जाने में जो समय लगा था उसको माइनस करेंगे और बराबर कितना होगा एक घंटे, जो कि डिफरेंस एक घंटे है। तो नोट करते रहे फटाफट, नोट हो गया होगा तो आगे हल करते हैं इसे। हल करते हैं, कहा गया था यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार तो 24 बटा 18 माइनस एक्स, फिर माइनस 24 बटा 18 प्लस एक्स, दोनों का जो अंतर है वो एक घंटे का है, तो एक, तो सबसे पहला काम करते हैं 24 का मान ले लेते हैं, और यहां बचेगा 1 बटा 18 माइनस एक्स, और माइनस 1 बटा 18 प्लस एक्स बराबर 1, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे और इसे मिटा देते हैं सब पूरा, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 24 बाहर रहेगा और इसका लघुत्तम होगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, तो इसकी गुणा इधर होगी, 1 से करेंगे तो 18 प्लस एक्स रहेगा, और इसकी जब गुणा इधर करेंगे माइनस को जिस चीज में बदल जाएंगे तो माइनस 18 और प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 1 है, तो ये 18 प्लस के और माइनस के कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ बचेगा एक्स, और एक्स हो जाएगा 2x और बटा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी तरह से 18 का वर्ग तो 324 होता है, और माइनस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर होगा और बराबर 1। क्लियर हो गया? तो पहले गुणा करने इसमें 24 गुना ये हो जाएगा 48x बटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, फिर गुणा करेंगे तो जाएगा 48x बराबर 324
माइनस एक्स स्क्वायर, पचहत्तर कर लें इधर तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर पहले से ही 48 एक्स है और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 324 और बराबर जीरो। अब हमें 324 से गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पे जो वैल्यूज है वो माइनस की है और जब भी माइनस की वैल्यू होती है जो उसके दो भाग बनेंगे तो एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा, मतलब असमान चिन्हों के हैं या विपरीत चिन्हों के हैं तो सीधी सी बात है वो घटेंगे और घटने के बाद 48 चाहिए हमें, मतलब एक संख्या 48 से ज़्यादा होगी जिसमें से दूसरी संख्या घटेगी तो 48 बचेगा और जो ज़्यादा वाली संख्या है वो प्लस की होगी क्योंकि हमें प्लस की वैल्यू चाहिए। तो 324 के जब गुणनखंड करेंगे तो अब यहाँ पर 324 क्या होता है 18 × 18 भी यही किया था ना, तो 18 को तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 3 और 18 ही रखें तो 18 तीन होता है 54 और ये 6 है, अगर इसमें से घटा दें क्योंकि ये प्लस कर लें ये माइनस कर दें घटाएंगे तो 48 ही बचेगा, क्लियर हुआ ना, मतलब 54 में से 6 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिख लेता और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x और माइनस 324 बराबर जीरो, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे x कामन है तो x प्लस 54 हो जाएगा, फिर माइनस 6 कामन है तो x प्लस 54 हो जाएगा, क्लियर हो गया बराबर जीरो। अब हम x प्लस 54 कामन लेंगे, दोनों पदों में कामन है तो x माइनस 6 बराबर जीरो बचेगा, तो एक बारी बारी से जीरो मान लेते हैं, लिखेंगे जब x प्लस 54 बराबर जीरो तो x बराबर आएगा माइनस 54, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए x बराबर माइनस 54 मान संभव नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर जीरो तो x बराबर 6 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का वैल्यू है तो ये हो जाएगा, या नीचे लिख देंगे अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नोट हो गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताया गया है कि दो संख्याओं का योग 28 है, कहा गया दो संख्याओं का योग 28 है, फिर कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4/3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कहा इन्होंने, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहा दो संख्याओं का योग 28 से यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4/3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें यहाँ पर दो कंडीशन है, दो कंडीशन मतलब दो संख्याओं का योग 28 है, हम जो भी दो संख्याएं मानेंगे उनका योगफल 28 होगा। और ये कहा गया है दूसरे पॉइंट पे कह रहे हैं कि एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 4/3 गुनी है, तो हम दूसरी कंडीशन से लेके चलते हैं, थोड़ा सा आसान लगेगा पहले की अपेक्षा। कहा गया है एक संख्या दूसरी की 4/3 गुनी है, तो हम पहली संख्या मान लेते हैं कि माना पहली संख्या
माना पहली संख्या बराबर एक्स, माना दूसरी संख्या बराबर, जो कहा गया दूसरी संख्या जो है वो 4/3 गुनी है, तो ये हो जाएगा 4/3 एक्स। क्लियर हो गया, दोनों संख्या मान ली है। फिर कहा है कि दोनों का जो योगफल है वो 28 है, दोनों का जो योगफल है वो 28 है। प्रश्नानुसार तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4/3 एक्स और बराबर 28। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम होगा 3 और ये हो जाएगा 3x और प्लस 4x बराबर 28। तो ऊपर हो जाएगा 7x/3 बराबर 28। तो ये कट जाएगा 7 × 7 और 7 × 28, मतलब x/3 बराबर 4 या x बराबर हो जाएगा 4 × 3 = 12। तो जो पहली संख्या मानी इसमें द्विघात वाली कोई बात ही नहीं आई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन फिर भी आसान सा था, फिर भी बता दिया हमने, तो यहाँ लिख देंगे अतः पहली संख्या क्योंकि पहली संख्या हमने x मानी है तो ये 12 हो जाएगी, अतः दूसरी संख्या जो है वो 4/3x है, मतलब 4/3 × x की जगह पर 12 लिखेंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब पहली संख्या 12 होगी और दूसरी संख्या 16, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब दो संख्याएं जो है वो 12 और एक दूसरी 16 हो जाएगी। एक अगला क्वेश्चन कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, देख लीजिए एक बार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें बताया गया है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है, जो अपने वर्ग से 72 कम है। क्लियर हो गया, तो सबसे पहले हम मान लेंगे अपनी संख्या, हल करेंगे कि माना संख्या बराबर x, फिर प्रश्नानुसार बहुत अच्छे से आपको समझना, ताकि वह संख्या या कि जो अपने वर्ग से, तो संख्या है x, तो x का वर्ग क्या होगा, x² होगा। क्लियर हो गया, और ये हमारी जो मूल संख्या है वो, तो इन्होंने कहा कि जो संख्या का वर्ग है, जो संख्या है वो अपने वर्ग से ये 72 कम है, तो इसके साथ हम 72 जोड़ दें या बराबर हो जाएंगे, या फिर अगर इधर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो हम इसमें से 72 माइनस कर दें तो भी बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया, या फिर दोनों का, या जैसे भी कंडीशन लिख रहे हैं x+72 या फिर x²-72 बराबर एक्स, या फिर x²-x = 72, ऐसे कोई भी कंडीशन लिखी जा सकती है, और दो तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का जो मतलब है वो एक ही है, मतलब इसमें कहा गया था कि जो संख्या है वो अपने वर्ग से 72 ये कम थी, इसमें 72 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गई। अगर इसी की बात करें तो कहा गया था संख्या अपने वर्ग से ये 72 कम है, ये कम थी 72, तो हमने इसमें से 72 माइनस कर लिया और बराबर हो जाएंगी, या फिर कहा गया है संख्या अपने वर्ग से 72 कम है, मतलब दोनों का जो अंतर है, मतलब अंतर किसका, संख्या के वर्ग और संख्या का जो अंतर है वो 72 है। क्लियर हो गया, तो समझ में आ रही है तीनों कंडीशन, कोई भी लिखी जा सकती है, इसलिए हम पहली बारी ले लेते हैं, दोनों संख्याओं को इधर 75 कर लें, तो ये हो जाएगा x²-x - 72 बराबर 0। क्लियर हो गया, और 72 के सिंपल छोटी संख्या है, सिंपल गुणनखंड हो जाएगी, 8 × 9 = 72 होता है, 9 में से 8 जाएगा तो फिर 1 बच जाएगा, और यहाँ 1 ही कहा गया है, तो x²-9x + 8x - 72 = 0।
तो यहाँ पे x कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 8 प्लस यहाँ से सॉरी x माइनस 9, यहाँ से 8 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 0। तो जब x माइनस 9 बराबर 0 मान लें तो x बराबर 9 हो जाएगा। वैसे जब x प्लस 8 बराबर 0 मान लें तो x बराबर माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम माइनस की वैल्यू से माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि जो भी बात कर रहे हैं वो भी धनात्मक संख्याओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे या लिख देंगे अतः संख्या बराबर 9 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं। द्विघात समीकरण आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, द्विघात समीकरण चैप्टर खत्म हो चुका है। उसके बाद अगला जो चैप्टर लेंगे वो है त्रिभुज चैप्टर को थोड़ा सा हम समझाएंगे उसके बारे में, क्योंकि बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो त्रिभुज चैप्टर बहुत टफ लग रहा है। हमने बहुत से बच्चों से पूछा है कि सही से पढ़ाया नहीं जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम उसे समझा देंगे। अभी के एग्ज़ाम जब तक आपके हैं तब तक हम ये ख़त्म कर लेंगे। तो आप कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, लाइक से जरूर करते रहें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।